सितंबर 2021 में अरवाज ने अपना नाम बदलकर अमित रखा और एक युवती को बरगलाया। जैसे ही नाम का खुलासा हुआ और वास्तविक नाम सामने आया, तब युवती ने थाने में छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अपर लोक अभियोजक धूप सिंह तोमर द्वारा इस मामले में शासन की ओर से पैरवी की गई, जिसमें आज द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रदीप दुबे ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और अपर लोक अभियोजक धूप सिंह तोमर की साक्ष्यों से संतुष्ट होकर आरोपी अरवाज को अलग अलग धाराओं में 3-3 साल की सजा और 60,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। क्या मामला, आज किस मामले में आज जो है कार्रवाई की गई है और कितनी कार्रवाई दर्ज की गई है पूरा डिटेल बता। ये मामला 17/9/2021 का है, जिसमें धर्म छिपाकर अभियोत्री पर शादी करने का दबाव बनाकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री प्रदीप दुबे जी द्वारा 3 साल के कठोर कारावास और 60,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना इस प्रकार है कि माह जून 2020 से अभियोत्री जब भी अपने घर से बाहर जाती थी तो अभियुक्त अरवाज अभियोत्री को पीछा कर उसे परेशान करता था। आरोपी अरवाज द्वारा अभियोत्री का मोबाइल नंबर कहीं से प्राप्त कर अभियोत्री से मोबाइल पर बात कर अपना नाम अमित बताकर उससे शादी करने का दबाव बनाता था। अभियोत्री बात नहीं करती थी तो अभियोत्री को व उसके घर वालों को जान से खत्म करने की धमकी देकर उसे बात करने के लिए मजबूर करता था। अभियोत्री को जब आरोपी का वास्तविक नाम अरबाज खान जानकारी मिली तो अभियोत्री ने उससे बात करना बंद कर दिया। एक दिन अभियोत्री जब घर से बाहर निकली तो अभियुक्त अरबाज ने उसका हाथ बुरी नियत से पकड़कर खींचा और कहने लगा, तुम बात क्यों नहीं करती हो। अभियोत्री ने बात करने से मना कर अपना हाथ छुड़ाकर भाग गई। फिर भी आरोपी अभियोत्री पर धर्म परिवर्तन कर उसके साथ शादी करने का दबाव बनाते हुए उसे परेशान करने लगा। तब अभियोत्री ने सारी घटना अपने भाई को बताई और दिनांक 17/9/21 को एक शिकायती आवेदन कोतवाली विदिशा को दिया गया। विदिशा कोतवाली द्वारा आरोपी अरबाज खान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354D, 506 एवं मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। प्रकरण माननीय द्वितीय प्रसत न्यायाधीश श्री प्रदीप दुबे जी के न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुआ। विचारण के दौरान मेरे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज एवं अपने तथ्यों से घटना को प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा घटना प्रमाणित पाते हुए आरोपी अरबाज हसन अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड एवं धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से मेरे द्वारा इसमें पैरवी की गई।